बॉल करेंगे, फुल टॉस बॉल थी और ए बी डिविलियर्स स्टाइल में। अजहर बल्लेबाजी करते हैं, सूरज और सूरज का काफी बेहतरीन शॉट और छह रन और मुकाबले को ही जिता दिया रोहन। टूर्नामेंट के लिए रवाना होती है पूरी टीम, और वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिकेट विद माइकल। और हमारी टीम एक नया मुकाबला खेलने के लिए तैयार होती हुई और टूर्नामेंट में जाती हुई, पहले भोजन लेती हुई और टूर्नामेंट के लिए तैयार हो चुकी है। वर्धमान से जाएगी गाड़ी और टूर्नामेंट के लिए तैयार है टीम। टीम की तैयारी चलती हुई, जाने के लिए तैयार है टीम। सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर। थोड़ा फास्ट कर दो, फास्ट हो रहे हो। और यहाँ पर हमारी टीम तैयार होते हुए मैच के लिए, और यहाँ पर माइकल को भी चीता ही बोल देते हैं और डाइट खा रहे हैं, मैच के लिए तैयार है रोहन के साथ। और हमारी काफ़ी टीम खड़ी है यहाँ पर, चलने के लिए रेडी है। स्कॉर्पियो में रवाना होने वाली है टीम, स्कॉर्पियो के लिए तैयारी। अब हमारे बीच आ चुके हैं रोहन भाई। ये भाई अपन तुमसे मिला, आवाज खुलवा थोड़ी। ग्राउंड पर आ चुकी है पूरी टीम। ग्राउंड काफी बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड काफी बड़ा है और पिच भी हम दिखाएंगे आपको, काफी बेहतरीन पिच लगता हुआ। वाइड कितनी लंबी है इसकी? आ जाओ जल्दी आ जाओ।
आओ 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 जल्दी ले तो मैं अभी चलो चलो नहीं क्या करता मैं तू जब आया मेरे सामने सही कह रहा होता केड़ा गुजर फ्रॉम बंगाल टॉस का समय होता हुआ सारे खिलाड़ी तैयार हैं टॉस हार कर पहले फील्डिंग करेगी हमारी टीम 16 ओवर का मुकाबला शुरू होने वाला है पहले फील्डिंग करेगी और हमारी टीम की शानदार बॉलिंग रही 16 ओवर से घटकर 14 ओवर का मुकाबला खेला गया 129 रन पर ही टीम को समेट दिया शानदार गेंदबाजी करी सारे ही बॉलरों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी चारों ही गेंदबाजों ने और 129 रन पर मुकाबले को रोक दिया 130 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए अब हमारी टीम बल्लेबाजी के लिए तैयार है शानदार फील्डिंग करी रोहन ने भी और विराट फ्रॉम अलीगढ़ ने भी शानदार फील्डिंग लेकिन उससे तगड़ी गेंदबाजी सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर को भी चीता ही कह देते हैं और इतना क्राउड है यहाँ पर देखिए इतना क्राउड तो अब तक नहीं देखा होगा क्राउड पूरा ग्राउंड क्राउड से भरा हुआ है चकाचक और छकाचक बैटिंग के लिए तैयार है अब हमारी टीम और सोची दादा फ्रॉम बंगाल और अब बैटिंग शुरू होने वाली 130 रन का लक्ष्य दिया है दूसरी टीम को रोक पाए शानदार गेंदबाजी करी और अब देखते हैं क्या होता है राणा भाई पहली बॉल 130 रन का लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरी टीम दादा करते हुए बल्लेबाजी पहली बॉल शानदार गेंदबाजी बॉलर द्वारा बॉल को रोक लेंगे एक रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज आसानी से स्ट्राइक पर आ गए हैं बहुत ही उर रहमान बॉलिंग करते हुए अमन दूसरी बॉल करेंगे फुल टॉस बॉल थी और एबी डिविलियर्स स्टाइल में बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन बेहतरीन शॉट मोती उर रहमान द्वारा दूसरी बॉल फुल टॉस बॉल फील्डर रोक लेंगे बॉल को लेकिन डॉट बॉल नो बॉल एम्पायर का इशारा अब फ्री हिट अगली बॉल फ्री हिट फ्री हिट नो बॉल एक और फ्री हिट बैक टू बैक फ्री हिट और बॉलर बैन बॉलर बैन हो चुका है दो लगातार बीमर बॉल और नो बॉल अभी मुकाबला रुका हुआ है नो बॉल के ऊपर दो लगातार बीमर बॉल और बॉलर बैन क्या नियम आता है देखते हैं डिसीजन एम्पायर का और बॉलर बैन हो चुका है अगला बॉलर फ्री हिट बॉल और बेहतरीन शॉट बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन कवर्स के ऊपर कर मोती उर रहमान द्वारा एक और छक्का दो छक्के लगा चुके हैं मोती उर रहमान अगली बॉल बल्लेबाज भी तैयार और बॉलर भी हल्के हाथों से खेल कर एक रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक को चेंज करते हुए अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं सुरजीत दादा स्ट्राइक पर हैं और गुड बॉल और गुड लीड द्वारा अगली बॉल दादा ने हल्के हाथों से उठा दिया है बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन दादा द्वारा निशाना कहीं तीर कहीं जाकर लगा और शानदार छक्का दादा द्वारा बॉलिंग करेंगे केड़ा गुजर फ्रॉम बहरामपुर बल्लेबाजी पर तैयार हैं रहमान बहुत ही रहमान केड़ा गुजर बॉलिंग करेंगे शानदार गेंदबाजी हल्के हाथ से खेलकर बॉल को रोक लिया एक रन और बॉल को एक रन आसानी से लेंगे दोनों ही बल्लेबाज पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन था और बिना विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर पहली बॉल एक रन और अब दादा है बल्लेबाजी पर केड़ा गुजर करते हुए बॉलिंग फ्रॉम बहरामपुर यूपी और लीप जाने दिया बॉल को डॉट बॉल अगली बॉल
एक और वाइड एम्पायर का सारा वाइड बॉल। अगली बॉल केड़ा गुजर और हल्के हाथों से खेलकर फील्डर आसानी से कैच पकड़ लेगा और दादा अपना विकेट खो चुके हैं। एक ओवर से ज्यादा नहीं खेल पा रहे हैं दादा और अपना विकेट खो चुके हैं आसानी से और पहला विकेट। केड़ा गुजर शानदार गेंदबाजी करते हैं, चीता ही कह देते केड़ा गुजर को। दादा के आउट होने के बाद आ चुके हैं मिंकू फिर ओमतात्री बल्लेबाजी पर। शानदार गेंदबाजी करी थी मिंकू फिर ओमतात्री ने और बल्लेबाजी करेंगे, क्या कमाल कर पाएंगे मिंकू फिर ओमतात्री। दर्शकों की संख्या तो आईपीएल को भी फेल करते हुए यहां पर काफी ज्यादा संख्या में दर्शक, मुकाबला काफी रोमांचक होता हुआ। युवा टीम उतरी है हमारी वर्तमान 11 की, काफी ज्यादा संख्या में दर्शक ग्राउंड में, खचाखच दर्शकों से भरा ग्राउंड। बंगाल क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट, केड़ा गुजर तैयार और मिंकू भी तैयार, देखते हैं दोनों के काफी खेल चुके हैं आमने सामने। और हल्के हाथों से खेलकर मिंकू ने एक रन ले लिया। स्ट्राइक पर आ जाएंगे अब मोतीउर रहमान। अगली बॉल और बेहतरीन शॉट मोतीउर रहमान द्वारा, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, छह रन मोतीउर रहमान फ्रॉम बंगाल को भी चीता ही कह देते हैं। अगली बॉल कीपर का इशारा, देखते हैं कहां पर बॉल डालेंगे। और हल्के हाथों से मोतीउर रहमान सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए एक रन ले लेंगे आसानी से। ओवर हो चुका है समाप्त, ओवर हो चुका है समाप्त। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन, दो ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर। बॉलर अजहर बल्लेबाजी करेंगे मोतीउर रहमान, तीसरा ओवर प्रगति पर 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अजहर टॉट बॉल। अगली बॉल अजहर और कट पॉइंट के दिशा में चार रन, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मोतीउर रहमान। तीसरी बॉल अजहर मोतीउर रहमान, शानदार गेंदबाजी अजहर द्वारा। हल्के हाथों से खेल दिया है लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन कर मैच कैच ही कर लिया। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए और आउट हो चुका है दूसरा बल्लेबाज। दूसरे विकेट के पतन के बाद बल्लेबाजी पर आ चुके हैं अब अभी भाई, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं अभी भाई। बल्लेबाजी की जिम्मेवारी संभालेंगे। 36 रन के नुकसान पर दो विकेट हो चुके हैं। बेहतरीन गेंदबाजी अजहर द्वारा चौथ बॉल। अगली बॉल और बीमर बॉल और छह रन देखे जाएगी अभी भाई का, काफी बेहतरीन शॉट और बॉल बाउंड्री के बाहर, छह रन नो बॉल और अगली बॉल फ्री हिट। तीन ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर 42 रन, बल्लेबाजी करते हुए मिंकू फ्रॉम दादरी। बॉलिंग करेंगे केड़ा गुजर और सोरा फ्रॉम बहरामपुर यूपी। फुल टॉस बॉल थी, मिंकू नहीं कुछ ज्यादा खास करता है लेकिन चौका तो मार ही डाला, चार रन मिंकू द्वारा। दूसरी बॉल बल्लेबाजी करते हुए मिंकू उठा दिया है बॉल सामने की तरफ और आसानी से कैच हो जाएगा। एक और विकेट, तीन विकेट हो चुके हैं आसानी से। मिंकू के आउट होने के बाद आ चुके हैं सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर यूपी। बल्लेबाजी करेंगे अब बॉलिंग करते हुए केड़ा गुजर फ्रॉम बहरामपुर। शानदार गेंदबाजी करते हुए दो विकेट ले चुके हैं, तीन विकेट हो चुके हैं 46 रन के स्कोर पर। क्या कर पाएंगे सचिन चिलवा। बॉलिंग करते हुए केड़ा गुजर काफी अच्छी बॉल, शॉर्ट बॉल। काफी ज्यादा दर्शक संख्या में मुकाबले को देखते हुए, ऐसे समझो आईपीएल का फाइनल मुकाबला चलता हुआ। अगली बॉल केड़ा गुजर फुल टॉस बॉल थी, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, क्या रोक पाएंगे और रोक लेंगे आसानी से। एक रन फुटबॉल खेलकर बॉल को रोक लिया। स्ट्राइक पर आ चुके हैं अभी भाई बॉलिंग करते हुए केड़ा गुजर और हल्के हाथों से ले लेंगे एक रन, रनिंग द विकेट देख लेकिन अच्छी थ्रो नहीं तो रन आउट के रूप में एक और विकेट गिर सकता था। आसानी से एक रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज।
सचिन चिलवा काफी अच्छी गेंदबाजी करी है सचिन चिलवा ने अगली बॉल और हिट मारने के प्रयास में काफी बेहतरीन अपील केड़ा गुजर दोबारा लेकिन एम्पायर का इशारा नॉट आउट केड़ा गुजर फ्रॉम बहरामपुर को भी चीज चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर अगला ओवर करेंगे अजर ओवर था विकेट काफी लंबे शरीर के अजर काफी बेहतरीन गेंदबाज करी है पहले ओवर में और दूसरा ओवर करेंगे अपना पांचवा ओवर शुरू और बेहतरीन गेंदबाजी अजर द्वारा दूसरी बॉल अजर और आसानी से कैच कोट एंड बोल्ड एक और विकेट के नुकसान 4 विकेट अगले बल्लेबाज आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी बॉल और एक रन आसानी से ले लेंगे एक रन बल्लेबाजी पर है सचिन चिलवा और अपने ही स्टाइल में बॉल को घुमाते हुए लेकिन डॉट बॉल अगली बॉल अजर और चिलवा अपने ही स्टाइल में सचिन चिलवा का बेहतरीन छक्का सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर को चीता ही कह देते हैं छक्के के बाद क्या कर पाएंगे अजर शानदार गेंदबाजी तो कर रहे हैं अजर छक्के के बाद बल्लेबाजी करते हुए चिलवा सचिन चिलवा फुल टॉस बॉल और एक और 4 रन सचिन द्वारा बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए सचिन और फील्डर बाउंड्री से सीमा रेखा से बाहर जाकर निकला दर्शकों से जा टकराया 4 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर टारगेट 130 रन छठा ओवर प्रगति पर चलेगा छठा ओवर प्रगति पर बॉलिंग करेंगे आर्यन बल्लेबाजी करते हुए सूरज करते हुए बल्लेबाजी आर्यन बॉलिंग करते हुए और अच्छी गेंद बेहतरीन फील्डिंग करते खुद बॉल को रोक लिया डॉट दूसरी बॉल आर्यन काफी अच्छी बॉल आर्यन द्वारा डॉट बॉल एक और बॉल डॉट तीसरी बॉल ओवर की फुल टॉस बॉल थी हल्के हाथों से खेलकर बॉल को एक रन ले लेंगे फील्डर रोक लेंगे अब आ चुके सचिन चिलवा और सचिन चिलवा का काफी लंबा और काफी ऊंचा छक्का सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर अगली बॉल चिलवा और बल्ले का एज लगकर बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन शानदार शॉट चिलवा द्वारा सचिन चिलवा अगली बॉल आर्यन की और बेहतरीन शॉट सचिन चिलवा द्वारा काफी बेहतरीन शॉट शॉट ऑफ द डे सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर को भी चीता ही कह देते हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर अभी 8 ओवर बाकी है और रन चाहिए अब मात्र 54 रन मैच को जीतने के लिए 54 रन और 6 विकेट हाथ में ओवर 8 अभी बाकी है केड़ा गुजर और सौरभ गुजर करेंगे बॉलिंग शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट ले चुके हैं सूरज करते हुए बल्लेबाजी काफी अच्छी गेंदबाजी फील्डर रोक लेगा बॉल को और एक रन नहीं ले पाएगा डॉट बॉल दूसरी बॉल सौरभ काफी अच्छी बॉल थी फील्डर है मौजूद काफी लंबे और नहीं रोक पाएंगे बॉल को बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन अगली बॉल अगली बॉल चिलवा और उठा के मार दिया है कबस के ऊपर का सूरज द्वारा शानदार छक्का सूरज काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए छक्के के बाद बॉलिंग करते हुए सौरभ और हल्के हाथों से बॉल को खेल दिया है फील्डिंग करके बॉल को रोक लेंगे आसानी से एक रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे स्ट्राइक पर आ चुके हैं सचिन और बॉलिंग करेंगे सौरभ गुज्जर ओ बैट के भारी किनारा और लगी बॉल एक रन काफी तेज बल्ला घुमाया था एक रन 7 ओवर समाप्ति के बाद 88 रन 4 विकेट बुद्धिया 11 बॉलिंग करते हुए अजर बल्लेबाजी करते हुए सचिन और बैट के भारी वाले हिस्से पर लगी बॉल आगे वाले पर एक रन नहीं रोक पाएगा कोई भी फील्डर आसानी से अगली बॉल सूरज द्वारा अगली बॉल काफी अच्छी बॉल थी अब
LBW की अपील और बॉल को एक रन बाई का सचिन और आसानी से कैच ले लेंगे और विकेट सचिन चिलवा आउट हो चुके हैं। शानदार गेंदबाजी अजर दुवर्रा और विकेट अगले बल्लेबाज आउट होने के बाद आए हैं रोहन फ्रॉम बिरोंडी बिरोंडा। काफी लंबे तकड़े रोहन क्या कर पाएंगे देखते हैं। अगली बॉल रोहन तैयार बल्लेबाज के लिए और हल्के हाथों से खेलकर बॉल को एक रन ले लेंगे। लंबू तो आ जाएगा, पानी निकल गया। लंबू तो आ जाएगा, लंबू आ जाएगा। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 92 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी करते हुए सूरज और रोहन और अपने कोटे का अंतिम ओवर करेंगे सौरभ। बल्लेबाजी करते हुए सूरज लो फुल टॉस मतलब लो यॉर्कर बॉल थी और एक रन स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोहन। बॉलिंग करते हुए सौरभ बल्लेबाजी करते हुए रोहन काफी अच्छी बॉल सौरभ द्वारा टॉट बॉल काफी बेहतरीन गेंदबाजी। अगली बॉल रोहन तैयार और उठा दिया है बॉल को। बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर काफी दूर और काफी लंबा छक्का रोहन द्वारा चीता ही कह देते हैं रोहन फ्रॉम ब्रोंडी ब्रोंडा को। अगली बॉल छक्के के बाद तैयार है रोहन बॉलिंग करते हुए सौरभ क्या कर पाएंगे दोनों ही। अगली बॉल फुल टॉस बॉल थी कोई नहीं है पीछे बॉल जाएगी बाउंड्री के फील्डर रोक लेगा बॉल को और रोक लेगा। काफी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन दर्शकों ने तालियों के साथ स्वागत किया इसी तगड़ी फील्डिंग का शानदार फील्डिंग। रोहन तैयार हैं देखेंगे क्या करेंगे दो रन के बाद और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल वाइड के बाद अगली बॉल और एक और छक्का रोहन द्वारा काफी लंबा उससे भी लंबा छक्का रोहन फ्रॉम ब्रोंडी ब्रोंडा को चीता ही कह देते हैं शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहन। अगली बॉल और एक और छक्का रोहन द्वारा बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रन चीता ही कह देते हैं रोहन फ्रॉम ब्रोंडी ब्रोंडा को। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र 15 रन की और जरूरत 5 ओवर अभी बाकी 5 विकेट हाथ में। बॉल लेकर तैयार अजहर बल्लेबाजी करते सूरज और सूरज का काफी बेहतरीन शॉट और बॉल जा रही है काफी दूर काफी लंबा छक्का सूरज द्वारा शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूरज। अगली बॉल करेंगे अजहर बल्लेबाजी करते सूरज और लो पैरों की तरफ बॉल थी बॉल को रोक लेंगे आसानी से स्ट्राइक पर आ चुके हैं रोहन। 8 रन की जरूरत है स्ट्राइक पर है रोहन 3 छक्के लगाकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजहर तैयार रोहन भी तैयार और नहीं आई बॉल कब्जे में डॉट बॉल। अगली बॉल डॉट बॉल के बाद ये भी डॉट बॉल शानदार फील्डिंग और बॉल को रोकेंगे। अगली बॉल वाइड को भी राइट 7 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। रोहन बल्लेबाजी करते हुए लो फुल टॉस और आसानी से एक रन ले लेंगे। स्ट्राइक पर आ चुके हैं सूरज एक छक्के की जरूरत मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी करते हुए सूरज क्या विनिंग शॉट मारकर मैच को जिता पाएंगे। बॉलर अजर सूरज तैयार और कैच ड्रॉप कैच 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 124 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र 6 रन की जरूरत 4 ओवर हाथ में है। बल्लेबाजी करते हुए रोहन क्या विनिंग शॉट लगाकर मुकाबले को जीता पाएंगे। रोहन 6 रन की जरूरत एक हिट और मुकाबला विन। रोहन बॉलर आर्यन तैयार और 6 रन और मुकाबले को ही जिता दिया रोहन ने। फैन बॉलिंग तेरे यार की शाबाश और मुकाबले को जिता दिया शाबाश।
और मैच को जिता दिया शानदार प्रदर्शन कर कर, और दर्शकों में काफी खुशी का माहौल। फैन बोलिंग तेरे यार की। और मुकाबला एक तरफा ही समाप्त कर दिया। शानदार प्रदर्शन रहा हमारी टीम का, सारे गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन, और शानदार प्रदर्शन रहा सचिन चिलवा फिर मुरादनगर को। मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच सचिन कुमार, और मुकाबले को जीत लिया है आसानी से, और काफी ज्यादा दर्शकों में खुशी का माहौल। रोहन के काफी बड़े फैन हो चुके हैं। फैन बोलिंग तेरे यार की। और रोहन आएंगे, फैन बोलिंग तेरे यार की। और मैन ऑफ द मैच पुरस्कार सचिन चिलवा फ्रॉम मुरादनगर को मिलने वाला है। देखते हैं क्या मिल रहा है। सचिन मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए जाते हुए पुरस्कार फाइनल मिलेगा। पुरस्कार कोई ना, फोटो वोटो खींच लो तब फाइनल फोटो ले लो, उसका कुरियर कर देंगे। पुरस्कार क्या है? चलो फाइनल मुकाबले में पुरस्कार मिलेगा। चलो भाई, चलो चलो, आओ भाई आओ। अब फाइनल, अरे फाइनल कह रहा, पहुंचे ही ना फाइनल, कहां से देंगे हमें।